थोड़ी चीज जानते हैं, इस घर में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ पे 76 कुत्ते इस घर की रखवाली करते हैं। ऊपर लगा हुआ है ताकि घर में अंदर ठंडक की राहत मिले। देखिए आप लोगों को थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं, आप लोगों को थोड़ा इस घर के अंदर का व्यू दिखाते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा रोड पे हैं, थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आप लोग को ये गेट दिख रहा है ना, ये सामने वाला गेट जहाँ पे लिखा है कुत्तों से सावधान। लगभग 60 करोड़ का घर है और यहाँ जो 76 कुत्ते हैं ना उनसे बच के रहिएगा, कभी अगर गेट खुल गया तो 76 कुत्ते दौड़ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए अभी हम हैं फिलहाल मुंबई के एक ऐसे गांव में, शहर में नहीं मुंबई में है लेकिन एक गांव में आए हुए हैं, और वो किस लिए आए हुए हैं आपको सब कुछ की जानकारी देंगे। आज हम आए हुए हैं बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको हम लोग प्यार से दादा कहते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मिथुन दादा, जिनको हम लोग मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल हैं मुंबई के मलाड के भाटी गाँव में और आज आप लोग को लेके आए हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का घर। ऐसे तो उनका घर बहुत जगह है लेकिन ये एक ऐसे जगह पे घर है उनका, भाटी गांव। आप लोग को पूरी जानकारी देंगे, आप लोग को कैसे आना है तो सुन लीजिए आप लोग, अभी आप लोग भागिएगा मत। देखिए आप लोग अगर कहीं से भी आते हैं तो मलाड रेलवे स्टेशन उतरिए, वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक बस स्टैंड है साईनाथ बस स्टैंड, वहाँ से आप लोग 271 नंबर का बस लीजिए और लगभग आधा घंटा लगेगा आपको। आधा घंटा आने के बाद भाटी गांव आएगा और आप लोग से प्राइस लेगा मात्र 15 रुपया। अगर आप लोग सस्ते में आना चाहते हैं तो 15 रुपया लेगा और अगर आप लोग स्पेशल आएंगे तो 200 रुपया लेगा ऑटो वाला। तो चलिए बिना देरी करते हुए आप लोग को शुरुआत करते हैं मिथुनदा के घर से। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इनकी पूरी जानकारी देंगे, इनका नेटवर्क, इनका कार कलेक्शन और सबसे ज़रूरी चीज़ जानते हैं, इस घर में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ पे 76 कुत्ते इस घर की रखवाली करते हैं, 76 कुत्ते मिथुन दा के 76 कुत्ते यहाँ पे रहते हैं। तो चलिए आप लोग को उनके घर का पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। और यहाँ पे अभी हम फिलहाल देखिए इस तालाब के पास हैं तो उनके घर के ठीक सामने है। तो चलिए बिना देरी करते हैं अब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ब्लॉग छोड़ के जाइएगा मत क्योंकि ये इनके घर का वीडियो शायद ही बहुत कम आया हुआ है, तो आप लोग जरूर बने रहिए ब्लॉग के साथ। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक तालाब है, जैसे मतलब भाटी गांव से आप लोग जैसे बस से थक के आइएगा तो देखिए यहाँ पे एक तालाब है और यहाँ पे रील्स वील्स भी शूट बहुत लोग करते हैं, तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देखिए इसको जो है ना, हम इसको मड आइलैंड कहते हैं, मड आइलैंड। और इस जगह पे आने के बाद ना हमको हमारा गाँव याद आ जाता है फ्रेंड्स। ऐसे तो हम बहुत दिनों से मुंबई में है लेकिन मुंबई में शहरों में गाड़ियों की पी पी पै पै गाड़ियों का आवाज़ से कान हो गया था, पूरा भर गया था, लेकिन अभी आज हम इस जगह पे आए ना, बिल्कुल सुकून वाली ज़िंदगी है, यहाँ पे बिल्कुल शांत है। तो ऐसे जगह पे रहते हैं मिथुन दा। तो चलिए उनके घर का ब्लॉग दिखाते हैं। देखिए ये सामने वाला जो गेट दिख रहा है ना, ये बाहर निकलने का गेट है और उनके जस्ट सामने ही मिथुन दा का घर है। तो चलिए आप लोग को बिना देरी करते हुए उनके घर के पास लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आप लोग को ये गेट दिख रहा है ना, ये सामने वाला गेट जहाँ पे लिखा है कुत्तों से सावधान, ये मिथुन दा के गेट का पहला नंबर गेट है। इधर से एंट्री है और देखिए यहाँ से देखिए सामने, सॉरी ये आउट गेट है और वहाँ पे एक एंट्री गेट है। देखिए ये घर है मिथुन दा का जो कि बहुत ही आलीशान, और बताया जाता है कि लगभग 60-70 करोड़ का ये घर है। तो देखिए अभी आप लोग को इस घर के अंदर का भी व्यू दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा गया है कुत्तों से सावधान, यहाँ पे 76 कुत्ते रहते हैं तो आप लोग अगर आएंगे तो बच के रहिएगा। और यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। देखिए इनके घर का थोड़ा व्यू दिखाएंगे, ये आप लोग को आउट गेट मिल जाएगा और उधर से इन गेट है। चलिए आप लोग को इन गेट के पास लेके चलते हैं, फिर आप लोग को घर के अंदर का व्यू दिखाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए ये भाटी गांव लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए सामने ही है बस स्टैंड, तो ये बस स्टैंड यहीं पे आके गाड़ी रुकेगी। और देखिए ये भाटी गांव है। चलिए आप लोग को मेन गेट पे लेके चलते हैं। जिस तालाब के अंदर थे ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है तालाब का नाम श्री हीरा देवी माता गाँव देवी तालाब, तो ये तालाब है, इसी के अंदर अभी हम अपना ब्लॉग शुरू किए। और अभी देखिए जस्ट अभी रोड पे आ चुके हैं, मेन रोड पे, और मिथुन दा के अब मेन गेट के पास चल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स वो था आउट गेट और ये देखिए यहाँ पे एंट्री गेट है मिथुन दा के घर का। देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग, 76 कुत्ते इस घर की रखवाली करते हैं। तो यहाँ से अभी गेट तो दिख नहीं रहा लेकिन अभी हम कुछ ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो आप लोग को अंदर का व्यू दिखाएंगे। देखिए ये एक गेट है, ये भी सामने में है और उधर भी एक गेट है, दो गेट है इस घर के में और दोनों गेट, एक आउट गेट है एक एंट्री गेट है। चलिए आप लोग को अब थोड़ा घर के अंदर का व्यू दिखाते हैं, आप लोग को थोड़ा इस घर के अंदर का व्यू दिखाते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा रोड पे हैं, थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो थोड़ा व्यू दिखेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना गजब का डिजाइनिंग किया गया है। देखिए ये बल्ब लगा हुआ है, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर का लगा हुआ है। और जब ये रात में जलता है ना, बताया गया भैया बताया कि जो बल्ब लगा हुआ है ना, जब ये रात में जलता है ना बहुत ही इस घर की शोभा बढ़ाता है। और देखिए इस जगह पे आने के बाद आपको अपनी गांव का याद आएगा अगर आप गांव से होंगे तो। चलिए इस जगह का थोड़ा और व्यू दिखाते हैं, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर रहते हैं मिथुन दा।
चलिए इस घर के अंदर का थोड़ा आप लोगों को व्यू दिखाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिथुन दा का घर इतना ऊंचाई पे है, मतलब अंदर है ना, तो वहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था। देखिए यहाँ हम थोड़ा दूर आए हुए हैं और यहाँ देखिए थोड़ा ऊंचा जगह है, तो यहाँ से हम कवर करने का कोशिश करेंगे उनके घर के, मतलब घर का। तो चलिए इस पे चढ़ते हैं और आप लोग को वहाँ मतलब घर का व्यू दिखा दिए, मंदिर है सामने। तो फ्रेंड देखिए फाइनली हम ऊपर चढ़े हैं और देखिए मिथुन दा के घर का थोड़ा डिजाइन देखिए कितना ज़बरदस्त। देखिए इनके घर के अंदर भी छतरी लगा हुआ है और यहाँ से देखिए व्यू बिल्कुल ग्रीनरी करके रखे हुए हैं घर को। और घर के ऊपर देखिए हरा हरा जो आप लोग को दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे तेज धूप है ना, तो इस कारण से इसको ऊपर लगा हुआ है ताकि घर में अंदर ठंडक की राहत मिले। देखिए आप लोग को थोड़ा और जूम करके दिखाते हैं। देखिए मिथुन दा अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रहते हैं, इसको मड आइलैंड भाटी गाँव है ये। ऐसे तो मिथुन दा कलकत्ता के रहने वाले हैं प्योर, लेकिन जब ये आते हैं यहाँ पे तो ये यहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मिथुन दा को शोर शराबा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल शांत रहते हैं। देखिए शांत माहौल है ये और बहुत सी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ पे। तो देखिए ये जो आप लोग को घर दिख रहा है ना, ये देखिए अंदर का व्यू आप लोग को थोड़ा दिखाते हैं। देखिए देखिए बिल्कुल ब्लैक ब्लैक शीशा, फुल्ली एसी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट है ना कि क्या बताएं आप लोगों को। देखिए और यहाँ पे वो 76 कुत्तों के साथ रहते हैं, 76 कुत्तों के साथ रहते हैं, यहाँ पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं मिलेगा। चलिए आप लोग थोड़ा और जूमिंग करके दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए देखिए अंदर काम वाम भी हो रहा है और सामने से अगर आप लोग को व्यू दिखाना दिखाएं घर का, तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आलीशान बंगला, लगभग ये 60-70 करोड़ का बंगला है। तो चलिए आप लोग को इनका घर दिखा दिए, तो इनकी नेटवर्थ, इनकी जानकारी अब आप लोग को कुछ कुछ देते हैं और आप लोग को व्यू भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें, मिथुन चक्रवर्ती सर का बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था और इनका जन्म 16 जून 1950 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। और ये पेशे से एक्टर है और इनकी अगर पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम योगिता बाली और इनके बच्चे 4 बच्चे हैं, जिसमें समेत में महाअक्षय चक्रवर्ती, नमासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती जी हैं। और मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में बता दें तो ये अभी फिलहाल मुंबई में रहते हैं और ये व्यवसायी टेलीविज़न प्रस्तोता है और ये अभी जो है ना पश्चिम बंगाल के सांसद हैं। और आप लोग को बता दें मिथुन चक्रवर्ती सर कुल मिलाकर लगभग 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें उन्होंने बांग्ला, ओडिया, भोजपुरी में भी बहुत सारे फिल्में हैं। और आप लोग को भी ये जानना जरूरी होता है कि मिथुन चक्रवर्ती मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में कार्यरत हैं। तो चलिए आप लोग को इनके फिल्म के बारे में बताते हैं। अगर हम मिथुन दा के फिल्मों की बात करें तो आई एम अ डिस्को डांसर, अग्निपथ, जंजीर, जल्लाद, तराना, मवाली नंबर 1, मर्द, 20 साल बाद, गुंडा, चांडाल, शेरा, मुजलिम, आंधी तूफान, खतरों के खिलाड़ी, दलाल, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, प्यार झुकता नहीं, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें मिथुन दा ने किसी में हीरो का रोल, किसी में विलन का रोल और किसी में पिता का रोल करके फिल्म को सुपर डुपर हिट किया है। और अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो इनका नेटवर्थ लगभग 400 करोड़ रुपए है और इनकी सैलरी लगभग $4 मिलियन प्लस और इनका मंथली इनकम लगभग $0.3 मिलियन है। और इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज 1975, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड इंडेवर, ऐसी बहुत सारी लग्जरी कारें मिथुन चक्रवर्ती सर के पास है। आप लोग को बता दें मिथुन चक्रवर्ती सर के जीवनी से कुछ थोड़ी सी बातें हैं, जिसमें आप लोग को बता दें मिथुन चक्रवर्ती सर जब फिल्म में काम नहीं कर रहे थे तो वो पहले एक बहुत बड़े कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार में एक ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ता था जिसमें कि उसमें एक उनके भाई जो थे, एक दुर्घटनावश हुई थी जिसमें उनके बिजली के करंट लगने से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती सर कट्टर नक्सली को छोड़कर वापस घर को आए थे और उसके बाद उन्होंने पार्टी में डांस वांस करना शुरू किया था और बहुत ही ज़बरदस्त डांस करने के बावजूद वो एक बहुत बड़े डांसर साबित हुए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म में अपना परचम लहराया। तो ये इनकी जीवनी से कुछ जुड़ी बातें थी। तो आप लोग को कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा। तो आप लोग थोड़ा बच के देखिए, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो यहीं पे है मिथुन दादा का 76 कुत्ता, जहाँ पे वो अपने 76 कुत्तों के साथ रहते। और आप लोग देखे होंगे जब लॉकडाउन लगा था ना, तो मिथुन दा यहीं पे अपना मतलब जीवन व्यतीत किए थे लॉकडाउन का, क्योंकि शहर में तो बहुत ज़्यादा कोरोना था और यहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल। देखिए इनके घर में बेर का गाछ, तार का गाछ, सब कुछ का गाछ, देखिए पीपल का पेड़, तो समझिए पूरे घर को बिल्कुल इन्वायरमेंट एकदम बिल्कुल आलीशान बना के रखे। और यहाँ पे देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे ग्रीनरी करके रखे हुए और एक चीज़ देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर हरा हरा जो दिखा रहा है ऊपर से, ये बिल्कुल रौनकता, घर की रौनकता को एकदम बिल्कुल बता रहा है। तो चलिए मिथुन दा, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो आप भी हमारे इस वीडियो पर जरूर एक कमेंट कीजिएगा और जितने लोगों तक पहुंच जाए, चाहे बॉलीवुड स्टार हो या बॉलीवुड के जितने भी लोग हों, वो लोग भी एक एक कमेंट इस मिथुन दा के घर के लिए जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग आप लोग जरूर बताइएगा।
देखिए घर के सामने आने के बाद आप लोग को थोड़ा और जूमिंग करके दिखाते हैं घर के अंदर का वीडियो। देखिए बिल्कुल झालर वालर लगा हुआ है और बिल्कुल घर की रौनकता को ये बढ़ा रहा है। और ये ऐसे जगह पे गांव है ना, देखिए बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी हुई है, इधर भी गाड़ियाँ लगी हुई है, इधर भी गाड़ियाँ लगी हुई है। और सामने देखिए वहाँ जो लिखा हुआ है वो फिल्म शूटिंग का है, वहाँ पे साई फिल्म का। और इन्हीं के घर के सामने जो अभी हम जहाँ से ब्लॉग शुरू किए थे यहाँ पे उनका ये है। तो देखिए आप लोग को, आप लोग जल्दी बताइए जो ग्रीनरी किया गया है ना ऊपर से, ये कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को दिखा दिए, और आप लोग को देखिए अगर वापस जाना होगा तो यहीं से आप लोग को बस मिल जाएगा, ये भाटी गांव का बस स्टैंड। तो चलिए आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए इस घर में जो ना, देखिए काला काला शीशा लगा हुआ है सभी घर के अंदर में। तो चलिए एक गेट आपका ये हो गया मेन दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को कैसी लगी ये ब्लॉग और कैसा लगा ये जानकारी आप लोग ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मिथुनदा के घर का ब्लॉग, आई होप आप लोग को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। देखिए मुंबई के इस गांव का खासियत क्या है, यहाँ पे बिल्कुल शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है। इसीलिए मिथुनदा, आप लोग को पता है कि मिथुनदा बिल्कुल शांत में रहना चाहते हैं, इसीलिए इस भाटी गांव को चुने हैं। और ये मड आइलैंड है, मड आइलैंड, यहाँ पे पहाड़ गाछ वृक्ष बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल गांव की याद आएगी यहाँ पे। और मिथुनदा को आपको पता है कितने शांत स्वभाव के हैं, और यहाँ पे उनकी जो है ना, इनके घर में एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, यहाँ पे 76 कुत्ते इनके घर की रखवाली करते हैं। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए मिथुनदा के लिए एक एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और इस घर के लिए कम से कम एक कॉमेंट कीजिएगा। लगभग 60 करोड़ का घर है, और यहाँ जो 76 कुत्ते हैं ना उनसे बच के रहिएगा, कभी अगर गेट खुल गया तो 76 कुत्ते दौड़ जाएंगे। तो चलिए अगर हमारे गांव से देख रहे हैं तो दिल से सपोर्ट कीजिए, सुल्तानगंज से देख रहे हैं तो दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, और बिहार भागलपुर से देख रहे हैं तो जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। और आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, और हो सके फ्रेंड्स तो इस भाई के लिए एक लाइक एक कॉमेंट एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स, इतना मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, ताकि हम मोटिवेट हो और आपको पूरी दुनिया का सैर करवा दें, पूरी दुनिया घुमा के दिखा देंगे आपको, बस आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और हाँ फ्रेंड्स मिथुनदा के घर के लिए एक कमेंट कीजिएगा, और नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है तो उसे आप फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।